एसडीएम ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के स्टैनो सचिन कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने पर 50,000 रुपए की रिश्वत ली। राजल देसर में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर रतनगढ़ उप अधीक्षक अनिल पुरोहित पहुंच गए। मृतक के शव को राजल देसर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ अस्पताल परिसर में इकट्ठी हो गई। राजल देसर थाना प्रभारी गीता रानी ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। खबर सर, फलटा के पास बिहड़ में एक डेड बॉडी मिली है। 33 केवी विद्युत लाइन के पोल के पास जो कोई 27-30 साल का व्यक्ति है जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बॉडी झुलसी हुई है और उस शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। शिनाख्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रसोई गैस के सिलेंडर के बढ़ते दाम ने सभी को परेशान कर दिया है। कई लोगों का बजट भी इससे गड़बड़ा जा रहा है। एक किसान परिवार चूल्हा जलाने के लिए गैस पर तो निर्भर है, लेकिन वह एलपीजी नहीं है। किसान ने खुद के मवेशियों के गोबर से चूल्हा जलाने का जुगाड़ बना लिया है। किसान और सरपंच प्रतिनिधि कंवर सिंह लोधी ने बताया कि हमने यूट्यूब पर वीडियो देखकर गोबर गैस प्लांट बनाया है और गोबर गैस प्लांट से गैस के साथ साथ जैविक खाद भी मिलता है जो कि फसलों के लिए संजीवनी है। इसमें लागत अनुमान 50 से 60 हजार रुपए की लागत और यह है हमारे बच्चों ने खुद परिश्रम करके खुद बनाया है। इसमें मिस्त्री की कोई आवश्यकता नहीं रही है। दूसरी बात, इससे पूरे परिवार का भोजन बना हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पूरा खर्च करने के बावजूद भी नहीं गैस घट रही है। काफ़ी मात्रा में गैस बनती है और 5-6 पशु हैं हमारे, उनने जिन तरीके से YouTube में देख करके बनाया है। औरैया जिले से रिटायर होने वाले ARTO अशोक कुमार का विदाई समारोह आयोजित कर माल्यार्पण कर विदाई दी गई, जिसमें RTO सुधीर कुमार तिवारी सहित आधा दर्जन कर्मचारियों ने विदाई दी। इस दौरान RTO सुधीर तिवारी ने कहा कि अच्छे कार्य करने वालों को हमेशा प्रशंसा मिलती है।